आप सभी को राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, टेम्पटिंग, यम्मी पोहा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप करके ना देखें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया पोहा, और ये हमने मोटे वाले पोहे का इस्तेमाल किया है, और इसे हमने अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे पतले वाले का ना इस्तेमाल करें, नहीं तो जल्दी गल जाता है। फिर यहाँ पे एक बारीक कटी हुई हमने प्याज ली है, और मूंगफली लिया हमने 50 ग्राम के करीब, और एक टमाटर लिया है, और एक अनार हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने लिया है बारीक कटा हुआ आलू, और एक हरी मिर्च लिया है, नींबू लिया है, और फ्रेश हमने यहाँ पे लिया है धनिया पत्ती। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने लिया है थोड़ी सी आलू भुजिया। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मूंगफली को भूनकर निकाल लेना है। तो मूंगफली को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है। जब पक जाए तो हमें इसे निकाल लेना है। उसके बाद अब चलते हैं पोहा को बनाने की प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, आप रिफाइंड का भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे तड़के में डाला है सरसों, आप जीरा भी डाल सकते हैं और करी पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे डालेंगे प्याज, और जो हमने हरी मिर्च काट करके रखी थी इन दोनों को डाल लेना है। उसके बाद फिर हमें इसे पकाना है 2 से 3 मिनट तक। जब प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाए और इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे जो हमने बारीक कटी हुई आलू रखी थी, उसको इसमें ऐड करेंगे। उसको डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डालना है। उसके बाद फिर इन सबको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, जब हमारी आलू पक जाए तब तक। तो इसे हमें 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और ये आलू भी हमारी पक चुकी है। तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, हम 1/2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हल्दी पाउडर अच्छा आधा पक जाएगा थोड़ा सा, तब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाले से हमारे फ्लेवर में 4 चांद लग जाता है, तो मैगी मसाला आप डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद हो स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम डालेंगे जो पोहे हमने धुल के रखे थे उसको डालेंगे, और इन सबको हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मिला लेना है। इस तरीके से आपको मिला लेना है पोहे को। जब हल्का सा मिल जाए फिर हम इसमें, हमने थोड़ा सा ही नमक डाला था, तो हम 1/2 टेबल स्पून और नमक डालेंगे। टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे नमक और मसाले सब अच्छे से पोहे में मिक्स हो जाएं। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा, हमने यहाँ पर चीनी डाला है 1/2 टेबल स्पून। तो इससे जो होता है चीनी से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा गुजराती स्टाइल में फ्लेवर आता है, हल्का खट्टा मीठा। तो अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे चीनी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ती, इससे हमारा जो फ्रेशनेस का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर धनिया पत्ती डालकर हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। फिर जब पोहा हमारा अच्छे से भून जाएगा 3 से 4 मिनट, इस तरीके से देखे पोहा बनकर तैयार हो गया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप इसे बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं, अपने घर में सबको खिलाएं। इस तरीके से देख सकते हैं कितना खिला खिला पोहा बनकर हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद फिर हम गैस को ऑफ करके फिर ऊपर से हमें यहाँ पे गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें ऐड करनी है उसको डालेंगे। तो यहाँ पे एक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, और जो मूँगफली भून के रखी थी, और यहाँ पे अनार डालेंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना, और यहाँ पे हमने गैस को ऑफ कर दिया है। उसके बाद इन सबको मिला रहे हैं। तो मूँगफली वगैरह हम बाद में डाल रहे हैं, नहीं तो ये पहले डालने पर नम हो जाती है और इसका क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मूँगफली टमाटर ये सब हम बाद में डाल रहे हैं। और अनार से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, और खाने में बीच बीच में मीठा खट्टे का फ्लेवर आता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कितना ही ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है देखने में, इस तरीके से लग रहा है जैसे मुंह में पानी आ जाएगा, इतना टेस्टी लग रहा है ये। तो चलिए चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस में। तो हमको इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। प्लेट में पोहे को निकालने के बाद हम इसके ऊपर से डालेंगे नींबू, हमें इसके ऊपर से नींबू निचोड़ लेना है। तो नींबू डालने से जो इसका फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा खट्टा खट्टा आता है, तो आप नींबू डालना ना भूलें, नींबू ऑप्शनल नहीं, आप इसे ज़रूर डालें। इस तरीके से आपको नींबू निचोड़ लेना है सर्व करने से पहले। उसके बाद फिर नींबू डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे आलू भुजिया जो हमने रखी थी। तो जब आपको सर्व करना रहे तभी आलू भुजिया डालें, नहीं तो ये नम हो जाती है। तो इस तरीके से आप आलू भुजिया डालेंगे तो इससे खाने में जो बीच बीच में क्रिस्पी का स्वाद आएगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऊपर से गार्निश करने के लिए हमने थोड़ा सा अनार डाल दिया है, जिससे देखने में ज़्यादा टेस्टी लगे और खाने में भी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।